हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक. नमस्कार, आदाब. मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज का चर्चा का विषय है भारतवर्ष का दूरसंचार दूरभाष क्षेत्र, इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर. और जो नियंत्रण करने का जो संगठन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, वो सचमुच क्या निष्पक्षता से is it carrying out its activities in a fair, in a balanced manner, संतुलन के साथ, या एक कंपनी को सबसे ज़्यादा मदद मिल रहा है और वो कंपनी का नाम है रिलायंस जियो. तो इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरा साथ आज न्यूज़ क्लिक स्टूडियो में है ऋषि राज, एग्जीक्यूटिव एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, माई ओल्ड कोलीग. 25 साल आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, क्रिसिल मार्केट वायर, पायनियर, ANM, एशियन एज. थैंक यू सो मच ऋषि. तो ये जो अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटर, प्रेडेटरी प्राइसिंग, यानी कि एक संस्था, वो जितना उनका खर्चा हो रहा है, खर्चा उस जो रेट है उससे कम में आप कुछ सेवा दे रहे हैं. एक ही लक्ष्य है कि आपके साथ जो कंपीट कर रहे हैं, जो कंपिटिटर है, जो आपका जो बाजार में राइवल्स है, इनको ख़त्म कर देने का आपका लक्ष्य है. तो एक कंपनी ऐसा है कि रिलायंस जियो, और आज हम देख रहे हैं कि दो ही कंपनी और बाकी है, और एक सरकारी संस्था है भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, बहुत ही कमज़ोर हो गए. और भारती, सुनील भारती मित्तल जो हेड करे एयरटेल, और एक साइड में मर्जर हो गया वोडाफोन और आइडिया, जो कुमार मंगलम बिरला जी एकदम शीर्ष में है. तो आज जो जिस चर्चा का विषय है कि सचमुच जो नियंत्रण जो करते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, हैज़ इट बीन फेयर, हैज़ इट बीन बैलेंस्ड, क्योंकि जो आज आगे नहीं बढ़ पा रहे वो कह रहे कि एक कंपनी को ज़्यादा मदद मिला. What do you have to say to this, Rishi? First of all, thanks, Paranjay, for calling me here, and it's indeed very, very nice to meet you. I always refer to you as my original guru because you were my boss at one point of time. That's it. Now, coming to the topic, TRAI has always been, for most part of its life, TRAI has been facing allegations of not being partial, partial to one set not of operators. Not being impartial. Not being impartial. So that is the nishpakshta se kaam has always been. But the only difference this time is when the allegation of not being fair is leveled at TRAI, which was done by Vodafone's global CEO Nick Reeds at Barcelona World Mobile Congress, is the scale. Meaning, if you recall, even between 2009 to 2012, when the set of new 2G operators, whom we refer to as Raja licensees, had come, which were subsequently A Raja ne jo aur baad mein bahut sare cancel ko Supreme Court cancel kar diya. But us samay mein bhi agar hum dekhe to us samay bhi TRAI ne aise series of regulations wagaira laye the, recommendations jo जिन पे ऑपरेटर्स इनकम्बेंट्स का कहना था कि ये बेसिकली उन जो नए वाले ऑपरेटर हैं उनको मदद करती है एट देयर कॉस्ट, और उसमें सत्य भी था और इट केप्ट ऑन बैटलिंग. इसके बाद इनफैक्ट जब उसके बाद जब राहुल खुल्लर आए TRAI चेयरमैन बन के, तो मोर और लेस थिंग्स गॉट सेटल्ड, इट मूव्ड फाइन, देयर वाज नो चार्जेस ऑफ नॉट बीइंग फेयर, एवरीबॉडी वाज बीइंग हर्ड और समथिंग. मगर ये जो राम सेवक शर्मा जी आने के बाद ये आरोप बढ़ गए, ये बढ़ा. और लेकिन जब हम बोलते हैं कि जैसे रिलायंस जियो जो सितंबर 2016 से सर्विसेज शुरू किया और उसके पहले वो ट्रायल रन शुरू कर दिया, ये तो अगर वो राजा लाइसेंसीज के हिसाब से देखें तो उस समय ये इतना बड़ा इशू तब भी नहीं बना था इन जनरल, बिकॉज वो जो प्लेयर्स थे बहुत छोटे थे, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन किसी का भी 2200 सर्कल में फैला ही नहीं, वो लोग छोटे छोटे ऑपरेटर थे, तो फिर ठीक है, किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था. बट यहाँ पे पहली बार हुआ कि एक इतना बड़ा प्लेयर आया जिसने एक बार में बिल्कुल
ऑल अक्रॉस 22 सर्कल्स। मैं ये जो प्रेडेटरी प्राइसिंग, इस विषय के ऊपर मैं वापस आऊँगा आपके पास, मगर लोग कह रहे हैं कि ये बाकी जो वो जो सुनील भारती मित्तल का जो कंपनी है भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, इन लोग हार रहे हैं, इन लोग दुखी है। जो आपने आपका अखबार जो एडिटोरियल आपने लिखा, टिपिकल ऑफ अ लूजर, कि आप हार रहे हैं इसीलिए वोडाफोन का जो ग्लोबल हेड है, जो सीईओ साहब हैं निक रीड, उन्हें कह रहे हैं कि टीआरएआई सारे कंपनी के खिलाफ है, सिर्फ एक कंपनी को मदद कर रहा है। सो हाउ मच ऑफ इट इज कंप्लेंट्स टिपिकल ऑफ अ लूजर, क्योंकि आप कहें कि जो आम उपभोक्ता है वो तो खुश है, आपका रेट कम हो गया, आपको सर्विस मुफ्त में और क्लोज टू फ्री मिल रहा है, आपको डेटा मिल रहा है, तो ये उपभोक्ता के लिए तो अच्छा हुई है। इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। पहली बात है लूज़र, जब लूज़र कहते हैं तो दे आर लूज़र इन सम मैनर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी LTE, फाइनेंशियली बट इवन इफ वी कंसिडर एयरटेल एज अ स्ट्रॉन्ग ऑन बैलेंस शीट, अदरवाइज स्टिल केपेबल ऑफ रेजिंग मनी इट इवन नाउ, तो टेक्नोलॉजी येस, उन्होंने इतना इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इन टैरिफ कि डेटा पे चार्ज करेंगे वॉइस पे नहीं, नंबर ऑफ टैरिफ जो स्कीम्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई करके 3 या 4 पे ही कर देना, जो कि पहले 25 तक कर सकते थे लोग, जिससे कि आम उपभोक्ता समझ सकता है कि मुझे ये लेना है कि ये लेना है, पहले किसी को समझ में ही भी नहीं आता था कि मैं किस पैकेज में। जटिल थे इतने मुश्किल समझाने के, तो समझने के ये कई क्षेत्र है जिसमें जियो ने आकर के अच्छा काम किया, जिसके वजह से वो लूज़र कह सकते हैं हम उनको, बिकॉज इन लोगों ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का कुछ होगा। और जियो के पीछे मुकेश अंबानी जी का ताकत है, वो तो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति है। मगर जियो जिस तरह से टेलीकॉम में री एंट्री लिया, वो पुराना इन्फोकॉम को छोड़ने के बाद ये नया इन्फोकॉम में, कि वो पहले 2300 MHz लिया था, पहले पास उसके पास यूनिफाइड लाइसेंस नहीं था, उस बोलता था ब्रॉडबैंड में आएंगे, जिसमें उस समय के पॉलिसी के हिसाब से स्पीच का मतलब वॉइस का कोई ये नहीं था, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। वो ऐसा लगा था जैसे कि दरवाज़ा कहीं खुला मिला तो मैंने अपने पाँव डाल दिया कि अच्छा आप आगे मैं रूम में एंटर करूंगा कि वहीं खड़ा रहूंगा, इस तरह का किसी को पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसका एंट्री में एक सरप्राइज एलिमेंट था, हाउ इट विल फंक्शन, हाउ इट विल गो। द इनकम्बेंट्स वर वेरी रिलैक्स्ड, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आप कह रहे कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट एंड समहाउ एट वन पॉइंट दे हैड ऑल्सो लॉस्ट दैट इनोवेटिव एज इन टर्म्स ऑफ यू, दे वर वेरी हैप्पी यू नो सर्विंग एज पाइप्स, वॉइस जा रहा है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक कंपटीशन आया था इन टर्म्स वो राजा लाइसेंसी से जो भी थोड़ा बहुत वो भी चला गया था, और उस समय जो घाटा पड़ा था तो आपने धीरे धीरे अपना रिकवरी रेट बढ़ाकर रियलाइजेशन रेट अप बढ़ा करके पीपल वर लाइक सेटलिंग डाउन एंड देन दिस केम। तो आप देखिए ये पिछले जो 2.5 साल में जिस रफ्तार से रिलायंस जियो आगे बढ़ पाया, वो 2018 मतलब 2 साल में लगभग उनको 25-26 करोड़ उपभोक्ता सब्सक्राइबर्स मिल गया, विश्व में इतना इस रफ्तार से कहीं टेलीकॉम कंपनी कभी नहीं आगे बढ़ पाया। मगर आज आप ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये निक रीड या वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ दुखी नहीं है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अकेला TRAI ट्राई के खिलाफ कह रहे हैं, आज TDSAT जो अपेलेट ट्राइब्यूनल है, टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट अपेलेट ट्राइब्यूनल, और हमारे जो न्यायालय भी है वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से TRAI ने नियंत्रण कर रहे हैं, ये निष्पक्षता से नहीं कर रहे, एक कंपनी को ज्यादा मदद मिल रही है, इस विषय को आप जरा समझा दीजिए सरल भाषा। मैं इस भाषा में समझाऊंगा कि जैसे परीक्षा होती है, परीक्षा में अच्छा कौन विद्यार्थी करता है? अगर चोरी हो वो करेगा जो पढ़ने में भी अच्छा हो, जिसे मालूम है एग्जैक्टली कहाँ से मैं नकल करूँ तो ये है। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो विद्यार्थी जो उस हिसाब से जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की, अगर चोरी भी करना है, चोरी करना अलाउड है और परीक्षक नहीं देख रहा है, अनदेखा कर रहा है चोरी करना, तो फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा क्या करना है, कहाँ से उतारना है, कहाँ से नकल करना है। लेकिन बढ़िया विद्यार्थी के लिए अगर दो विद्यार्थी में कंपटीशन है और एक थोड़ा उससे कमज़ोर भी अगर है लेकिन अदरवाइज अच्छा स्टूडेंट है, तो चोरी अगर हो रही है और उसको जो इन्विजिलेटर है वो नहीं ध्यान दे रहा है, तो वो हो सकता है कि अपने कॉम्पिटिटर को हरा देगा।
तो इसी संदर्भ में अगर हम टीआरए का जैसे रोल आप देखें, कहेंगे जो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसी संदर्भ में इसमें कोई मत नहीं है कि जियो ने अच्छी तकनीक लाए, अच्छे टेक्नोलॉजी लाया, अच्छे तरह के टैरिफ पैकेज लाए, वो सब सही है, लेकिन जब जिस क्योंकि वो एक वेल फंडेड ऑर्गेनाइज ऑपरेटर था, उसी तरह जैसे मैं उसको अगर थोड़ी भी मदद मिल गई रेगुलेटर से इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, तो ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट हैवॉक इन द मार्केट। वही किया इन्होंने, वही किया इन्होंने। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़, ये लड़ाई जो होती है, जैसे सबसे पहले वो पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट को लेके होता है कि मैं एक सर्विस चलाता हूँ, आप चलाते हैं, अगर एक दूसरे को इंटरकनेक्ट जो नहीं हम किए, कहेंगे IUC इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, और वो TRAI ने 57% काट दिया। उनको बोला इनके पास नया टेक्नोलॉजी है, नया टेक्निक है, मगर एक झटका ऐसा लगा कि बाकी जो जितने सारे कंपनियां हैं वो उनका बहुत ही बुरा हालत हो गया। हाँ, तो इसमें भी जैसे है ना, अब TRAI ने इस पर जब हमने संपादकीय लिखा तो TRAI ने एक बड़ा चिट्ठी हमें भेजा कि ये इसका तो एक रोडमैप पहले से तय है, ये हर 2 साल में होता है, तो हमने ऐसा क्या किया है, और इस पर पुराने समय से भी ऑपरेटर्स के बीच मतभेद रहे हैं। उस चीज़ को अगर छोड़ दें तो मैं बस इस चीज़ पर देखूंगा जो TRAI बोलता है कि हमारा एक कैलेंडर कि हम 2 साल में करते हैं, आप करते हो सही, लेकिन इस केस में TRAI ने 2 साल से पहले पहले एक बार कोशिश की थी डाल करके, एक प्री कंसल्टेशन पेपर, इट ट्राई टू डू अर्लियर देन 2 ईयर्स, बट देर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन, देन इट लेफ्ट इट। सो पहला ही उसका जो इट्स इंटेंट वॉज नॉट वेरी फेयर इन द बिगिनिंग। आपने जैसे लिखा इन 2016 TRAI रिकमेंडेड 3,050 crore पेनल्टी ऑन टेलीकॉम कंपनीज फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन फॉर रिलायंस जियो। फिर टेलीकॉम कमीशन ने यह भी कहा कि उनको 90 दिन था, और उससे पहले ही आपने उसको पिनलाइज कर दिया। फिर TRAI ने एक कंसल्टेशन पेपर लाया, उसमें बोला 90 दिन का समय ज़्यादा लंबा है। तो एक तरह से सबको लग रहा है कि, और सरकार ने उनका बात नहीं माना, तो इन अ सेंस दे आर सेइंग द प्लेइंग फील्ड इज नॉट लेवल एंड यू हैव टिल्टेड इन फेवर ऑफ वन प्लेयर। दैट इज ट्रू व्हाई, बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम 15-16 ऑनवर्ड्स, व्हाटएवर TRAI हैज बीन डूइंग इज, this is a problem, I first penalize and then to resolve that issue I bring in a consultation paper. पहले मैंने आपको पनिश कर दिया, किसी मैं और आपने झगड़ा है, सजा दे दिया, मैंने दिया, आपने मुझे सजा दे दिया, फिर आपने ये भी बोला कि लेकिन ये जो एरिया है इसमें मुद्दे क्लियर नहीं है, मतलब इसका कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। तो उसके बाद मैंने उस पर एक कंसल्टेशन पेपर निकाला एक पॉलिसी बनाने के लिए। तो भाई अगर इस things were happening on an unprecedented scale for the first time, then first you resolve the issue. अच्छा, हम वापस जा रहे हैं जिस मुद्दे से हमने शुरू किया, ये significant market power 30%, ये कौन कहा? TRAI ने अपने आप कह दिया। इसके मतलब अभी रिलायंस जियो का 21-22% पूरा बाजार में उनके शेयर है, ठीक है, और अपना वो आइडिया वोडाफोन का है कुछ, और सुनील भारती मित्तल का भी है, उनसे ज़्यादा है अभी भी, मगर आने वाले महीनों में शायद रिलायंस जियो उनका आगे बढ़ जाएगा। तो अब तक मैंने आप उनको एक मदद कर दिया सबसे आगे बढ़ने के लिए, तो ये कौन कहा कि ये 30% मार्केट शेयर इज द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये जो हमारे कंपटीशन कमीशन भी है, और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने अदालत भी TD सैट भी इसका टिप्पणी किया, ये जरा आप जरा समझा दीजिए सरल भाषा में, क्योंकि प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब है, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ, सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज़ बिलो द कॉस्ट or production of the goods or provision of services with a view to reduce competition or eliminate competitors. यानी कि एक ही इनका लक्ष्य है कि हमारे साथ जो प्रतिद्वंदिता करेंगे, जो भी हमारे राइवल हैं, उनको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसा है। ये प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या था कि TRAI का जो रेगुलेशन, जो TD सेट ने अपने जजमेंट में कहा कि TRAI का पहले तो डोमेन प्रेडेटरी है ही नहीं, वो कॉम्पिटिशन कमीशन का है। TRAI के प्रेडेटरी प्राइसिंग में सिर्फ वो पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट देने का है, मेरा और आपका जो होगा अगर मैं इससे फ़ोन करूं और आप दूसरे ऑपरेटर में, जो कनेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से सिर्फ एक TRAI एक्ट में
TRAI के पास पावर है कि उसमें आप 30% देखते हैं कि टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स. उसमें क्या है कि आपका रेवेन्यू मार्केट शेयर, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड कैपेसिटी, ये चार चीज़ देखा जाता है. TRAI ने इसमें, अभी जो TRAI आर एस शर्मा के अंडर है, इसने क्या किया प्रेडेटरी प्राइसिंग करने के लिए, ये चार चीज़ों को पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट से निकाल करके उसने टैरिफ में ले आया, जबकि टैरिफ के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, और उसमें से वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मूविंग ऑन द नेटवर्क और कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, ये दो चीज़ हटा दिया और सिर्फ रेवेन्यू मार्केट शेयर ने सब्सक्राइबर मार्केट शेयर रख दिया. तो चूंकि रिलायंस जियो एक नया ऑपरेटर था, तो रेवेन्यू मार्केट शेयर एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में वो इनकम्बेंट भारतीय वोडाफोन से कम था. लेकिन अगर वो दोनों चीज़ नहीं हटाते, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, तो फिर बराबर हो तो होते आज, बल्कि ज़्यादा बड़ा हो जाता. जो आज जो एपेलेट अथॉरिटी है TDSAT, उन्होंने साफ साफ कहा कि TRAI जो जो जिस तरह से उन्होंने सिग्निफिकेंट मार्केट पावर को डिफाइन किया, इट शोड अ डिग्री ऑफ प्री डिटर्मिनेशन टू डाइल्यूट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ SMP और सिग्निफिकेंट मार्केट पावर. और ये भी कहा कि इट वॉज आर्बिट्ररी विदाउट एनी डिलिबरेशन एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन एंड नॉट बैक्ड बाय एनी इंटेलिजिबल एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नॉर एनी कन्विंसिंग रीजन एंड हेंस वॉज एन एक्सट्रीम स्टेप एंड अननेसेसरी एब्डिकेशन ऑफ इट्स रेगुलेटरी पावर्स. क्या बताएं, इस तरह से इस शब्दों से टिप्पणी किया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, और TRAI तो इसका जवाब नहीं दिया अभी तक. TRAI का जवाब इसमें यही है कि हमने इसके अगेंस्ट में अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बात को अगर हम हटा भी दें, लेकिन अगर मैं 2015-16 के हिसाब से लेकर के TRAI के जितने रेगुलेशन अगर उठा लेते हैं हम रैंडमली, नन ऑफ द रेगुलेशन हैव पास द टेस्ट ऑफ आइदर TDSAT और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ऑल रेगुलेशन हैव बीन स्ट्रक. तो इसका मतलब देयर इज कैन बी अ चार्ज व्हिच विल बी फेयर दैट TRAI इज एक्टिंग इन अ वेरी कैजुअल मैनर, आर्बिट्ररी मैनर, कैजुअल मैनर, और व्हाटएवर, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क प्रॉपर्ली. और ये भाई साहब RSS साहब, सॉरी राम सेवक शर्मा जी, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट हिज इनिशियल्स आर द सेम एज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बट ही हैज आल्सो बीन नाउ गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ हिज टर्म. It's actually not an extension, it's a re-employment. It's a re-employment. Okay, I stand corrected. TRAI Act में extension का provision नहीं है, तो ये पहली बार हुआ TRAI जब भी 97 से बना है कि जैसे आपका tenure ख़त्म हो गया तो फिर से मैंने आपको reappoint कर दिया. आपको याद है कि जिस समय नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री का सलाहकार बना, उस समय भी ये जो नरेंद्र मोदी का जो सरकार आया है, ये पहला कानून लाया, पहले अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस, और फिर द रू द लॉ वॉज चेंज, क्योंकि उस समय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द चेयरमैन कुड नॉट, एनीबडी हु हैज सर्वड एज TRAI चेयरमैन कैन नॉट टेक अनदर गवर्नमेंट. तो एक तरह से आज जो वोडाफोन का जो मार्केट शेयर है, वोडाफोन आइडिया का, ये 2018 के बाद हो रहा है, लेट 2018 उनको 36% है, भारतीय एयरटेल का 30 का थोड़ा कम है, और रिलायंस जियो का 21 और 22 के बीच. तो ये कैसे बदल जाएगा आपका आने वाले समय में, क्या लग रहा है आपको? ये इस ऐसे बदलेगा, एक तो क्या है कि द पेस एट विच जियो इज़ एडिंग सब्सक्राइबर इज मच मच फास्टर देन दी इनकम्बेंट्स, बल्कि इनकम्बेंट जो वोडाफोन है या भारतीय है, ये इनके सब्सक्राइबर आपको अब घटते मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके काफ़ी 2G सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन्होंने एक ये लिया है कि जैसे जो लोग 35 रुपये से कम मंथली रिचार्ज कराते हैं, हम उनको हटाएंगे. इनफैक्ट वो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट का अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 मिलियन के लगभग भारतीय ने जैसे अपने सब्सक्राइबर हटा दिए, क्योंकि वो लोग रेगुलर रिचार्ज ही नहीं करा रहे थे. सो दे वर जस्ट स्क्वॉटिंग इन टर्म्स, इनकमिंग फ्री आ रहा है, मैं आउटगोइंग के लिए हो सकता है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन उठा रहा हूँ. बट जियो का अगर हम देखें तो वो 7 to 10 million एनी वेयर इट इज़ एडिंग एवरी मंथ सब्सक्राइबर, सो उसका जो पेस ऑफ इंक्रीज इज मच मच. आपका लग रहा है आने वाले एक डेढ़ साल में वो एकदम सबसे आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा, अभी तो वो काफ़ी नज़दीक आ गया है. मतलब जो लेटेस्ट डेटा था, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में, रिलायंस जियो सिर्फ आई थिंक अबाउट से 2-4 million से कम होगा. अब अभी सवाल ये है कि ये देश के हित में है, ये जनहित में है, उपभोक्ता का हित में है कि नहीं? देखिए, आज जो टेलीकॉम क्षेत्र है, इसका लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपया
कर्ज इन्होंने बैंकों से लिया है। आज ये बेरोजगारी का जो बहुत बड़ा समस्या है, देखा ये जो सेक्टर था, ये क्षेत्र था, लोगों को ले रहे थे, मगर पिछले 2-2.5 साल में नौकरी तो नहीं बढ़ रही इस सेक्टर में। एक कंपनी तो आगे बढ़ रहा है रिलायंस जियो, मगर सेक्टर का जो ओवरऑल जो स्थिति है ये तो काफ़ी ख़राब है। और लोग आज भारत संचार निगम लिमिटेड MTNL के लोगों को कह रहे हैं कि सरकार हमें मदद नहीं कर रहे, लोगों को तनख्वाह नहीं मिला 2 महीना। तो एक तरह से इफ़ यू लुक एट द होल सिचुएशन फ्रॉम अ ब्रॉड इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, व्हाट डू यू हैव टू से? देर आर 3 एस्पेक्ट्स टू इट। सब्सक्राइबर बेनिफिटिंग, आई अग्री। I was myself paying an average bill of any day, monthly bill earlier of between 1500 to 2500 rupees, maybe even 3000 rupees if I was to travel. Now I pay 600 rupees flat every month. So it has drastically come out. Obviously it has drastically come out. But there are a lot of my friends, because over the years of working, I know a lot of people in the telecom sector, both professionally and personally. A lot of people have lost jobs. A lot of people are not getting jobs. Lot of people have taken jobs in some other sector at a lower position. They are going through, have gone through hardships. And the third aspect is, even the government is losing revenue. Because government earns through license fee and spectrum usage charge, which is as a percentage of their revenue. Wo bhi kam ho gaya. Since companies are, revenues is coming down, so government share is coming down. In fact, ये FY19 जो हम फिस्कल ईयर क्लोज करेंगे उसमें जो बजट इंटरिम बजट आया उसमें 10,000 करोड़ आरी में रिवाइज एस्टिमेट में बजट एस्टिमेट से 10,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में गवर्नमेंट का फ्रॉम टेलीकॉम रिसीट्स। और जो FY20 के टारगेट फिक्स किए गए हैं बी में वो लोअर हैं, इससे भी कम, इससे भी लोअर देन द बी ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो सरकारी भी घाटा है। और एक और एस्पेक्ट देख लें तो ये भी प्रॉब्लम है कि अगर एक कंपनी सही चल रही है और बाकी कंपनी घाटे में चल रही है तो आज के दिन में ठीक है आपका और मेरा बिल तो कम हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एक ही ऑपरेटर की सर्विस लेंगे। और इनका एक तरह से एक प्राइवेट मोनोपोली बन गया। बट उससे भी बड़ी इशू है कि अभी भी हमारा ब्रॉडबैंड में और ब्रॉडबैंड वायरलेस में स्पीड में हम अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हैं, हमारा स्पीड कम है। तो अनलेस उसमें री इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा बाई कंपनीज तो वी वॉन्ट ओवरऑल। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है ऋषि, कि एक तरह से आज उपभोक्ताओं भी दुखी है कि कॉल ड्रॉप्स। एक समय ट्राई ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, एक कॉस्टिंग मॉडल होगा, मगर ट्राई कुछ कर नहीं पाया। अभी ये कोर्ट में लगे हुए हैं बहुत सारे केसेस, मगर किस तरह से आप कहेंगे कि एक समय ट्राई कहा कि हम सज़ा देंगे कॉल ड्रॉप्स के लिए, फिर बाद में भूल गया ये सब, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा एक तरह से ये लेजिस्लेटिवली प्री डिटर्मिन पेनल्टी विदाउट फॉल्ट और लॉस बीइंग एस्टैब्लिश्ड, अगेन वही शब्द, मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल, यानी कि ट्राई जवाब नहीं दे रहे। तो एक तरह से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो बुनियादी ढांचा है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप निवेश नहीं करेंगे तो ये स्थिति होगा। ठीक है, आपको कम में मिल रहे हैं, मगर किसी और से बात करने के लिए एक बार नहीं, आपको 4 बार फ़ोन करना पड़ रहा है, कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं बाद। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि उपभोक्ता को फ़ायदा मिला और इस तरह से नुकसान भी हो रहा है उनकी। ये वही वाली बात हो गई कि ये उस तरह वाली बात हो गई कि मैंने बस के किराए बढ़ाए नहीं हैं, घटा दिए हैं, लेकिन अब बस ख़राब होती है, देर से चलती है, उसमें अगर AC है तो काम नहीं करता है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैक्ड हैं, तो आप कंप्लेन मत कीजिए क्योंकि आपको भाड़ा तो मैं आपसे कम ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह का मामला हो गया है, कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। TRAI ने क्या किया, एक नीजर के रिएक्शन की तरह से उसने 1 रुपये की, आपका अगर 3 बार कॉल ड्रॉप करेगा तो 1 रुपये उपभोक्ता को वापस देना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आज TRAI ने एक पेनल्टी लगाया कि आपको वापस करना होगा कॉल ड्रॉप के लिए पैसे सब्सक्राइबर को, और उसके बाद आपने ही एक कंसल्टेशन पेपर निकाल दिया, स्टडी वाइट पेपर निकाल दिया कि जो कॉल ड्रॉप होते हैं वो सिर्फ ऑपरेटर्स की गलती से नहीं होते, वो पूरे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है। तो एक तरह से आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, यू आर डाइवर्टिंग द ब्लेम टू एवरीबॉडी और नोबॉडी। हाँ, आप बोलते हैं इसलिए होता है क्योंकि टावर
एडिक्वेट नहीं है, और टावर नहीं क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि सिविक एजेंसीज उसमें क्लियरेंस नहीं देते, या लोगों में एक भय है कि उसके वजह से रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है तो एडिक्वेट टावर ही नहीं लग पाते हैं, लोगों ने इलीगल बूस्टर लगा लिया है इसके वजह से भी कॉल ड्रॉप होते हैं, इलीगल बूस्टर नहीं लगाना चाहिए। मगर आप ये मानने के लिए तैयार है कि आज उपभोक्ता को कम कीमत में तो सर्विस सेवा मिल रहे हैं, मगर साथ 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 जो सेवा का जो क्वालिटी है वो काफ़ी घट गया। सेवा का क्वालिटी है, आई विल से हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द एक्सपेंशन विच हैज़ टेकन प्लेस। पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज इन जनरल मतलब उतना मैसिव अनरेस्ट नहीं होता है बिकॉज प्राइसेज हैव कम डाउन ए एंड बी। एक डेटा सर्विस में आपने जो पहले बहुत ही पुअर स्पीड था तो उससे रिलेटिवली बेटर मिल गया, तो लोग बिजी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप मेट्रो पे चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आप बैठे रहें रैंडमली आप ले लें, एवरीबडी विल कंप्लेन ये सारा डेटा यहाँ नहीं चल रहा, ये मेरा डेटा स्लो हो गया। सो इट्स नॉट दैट कंप्लेन इज नॉट देयर, इट्स ओनली समवेयर समबडी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग टोटली हैज स्टार्टेड गेटिंग समथिंग एट लोअर रेट, सो ऑब्वियसली इट्स लाइटर ऑन पॉकेट एंड सम एक्सेस इज देयर, स्मार्टफोन्स हैव कम सो आई एम गेटिंग डेटा, आई एम बिजी ऑन डेटा, इवन इफ कॉल इज नॉट गोइंग तो उस पर लोगों ने व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू कर दिया तो लोग को लगता है कि अच्छा इस पर नहीं चल रहा है इस पर चलने लगता है, तो वो थोड़े थोड़े ऑप्शन बढ़ गए इधर उधर, तो दैट हैज़ गिवन अ गुड लीवे टू पीपल टू से दैट you know everything is fine, but it's not that everything is fine. Okay, thank you so much Rishi for giving us your time. That was Rishi Raj, the executive editor of Financial Express, explaining to you in simple language, saral bhasha mein, how the regulatory authority, the Telecom Regulatory Authority of India, has not provided a level playing field, how its actions, which have been criticized not only by the rivals of Reliance Jio like Vodafone, Idea and Bharti Airtel, but even the Telecom Disputes Regulatory Authority, I mean the Appellate Tribunal, I beg your pardon, TDSAT, the Telecom Disputes and Settlement Appellate Tribunal, as well as the Supreme Court of India. To summarize his views, jo saral bhasha mein inhone kaha ki ha upbhokta ko fayda mila magar saath saath जो सेवा आपको मिल रहे थे, जिस रफ्तार से उसका उन्नति होना चाहिए, जिस तरह से द इम्प्रूवमेंट इट शुड बीन, दैट हैज नॉट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉल ड्रॉप्स। सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव हियर अ रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस, बट हुज एक्शंस ओवर द लास्ट 2.5 years हैज फेवर्ड वन कंपनी एंड दैट इज रिलायंस जियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम एंड कीप वॉचिंग News Click.